कैसे हैं हैं? हैं आप सब? तो तो आज आज हम 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 क्या करने 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 वाले हैं, gender nouns. तो हम करने वाले वाले ठीक है? बात कि कोई भी किसी भी किसी चीज़ का, जब हम किसी भी नाउन की बात करते हैं तो उस नाउन का लिंग क्या है इन इंग्लिश वी कॉल इट जेंडर मेस्क्यूलाइन जेंडर फेमिलाइन जेंडर कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर अब बहुत सारे में आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक सिर्फ मेस्क्यूलाइन और फेमिनाइन सुना होगा मतलब मेल और फीमेल ठीक है लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फोर टाइप्स ऑफ जेंडर मेस्क्यूलाइन फेमिनाइन कॉमन और न्यूटर सो so हम क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं और इसके फॉर्मेशन कैसे होंगे हम वो समझेंगे एंड देन वी आर सॉर्टेड ठीक है सो लेट्स बिगिन क्या क्या होता है? है है? है है है। आपका जो noun है उसका उसका या 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 वो कोई नहीं अब हम four genders की बात करने वाले हैं, ठीक है पहला होता है मेस्क्यूल जेंडर जब हम मेस्क्यूल जेंडर की बात करते हैं मतलब वी आर रेफरिंग टू अ मेल पर्सन हम बात कर रहे हैं किसी भी मेल की कोई भी स्पीशीज में हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं हम एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसी भी स्पीशीज में मेल स्पीशीज की ठीक है जैसे कि मैन लायन हीरो बॉय किंग हॉस और एक्टर ठीक है ये सारे क्या होगा ये सब आपके मेस्क्यूलाइनजेंडर होगा अब आती है बात जेंडर की मतलब हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग की मतलब किसी भी स्पीशीज में जो फीमेल प्रजाति होती है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे अब जब फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं फीमेल मेंबर ऑफ स्पीशीज किसी भी स्पीशीज की अगर आप फीमेल मेंबर की बात करते हो तो हम उसे जेंडर कहते हैं ठीक है जैसे कि वुमेन लाइनिस हेरोइन गर्ल मैल नीस एम प्लेस काउ एक्ट्रेस एक्सेट्रा अब जैसे हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं जैसे अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल एंड ह्यर गर्ल इज अ फेमेनाइन ठीक है अगेन हीरोइन इज द मूवी हीरोइन ऑफ द मूवी वॉज गॉजियस अब हीरोइन जो थी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल एंड दैट्स वाई दीज दीज वर्ड्स गर्ल और हीरोइन जो है ये आपको फेमेनाइन जेंडर शो करता है अब बात आती है कॉमन जेंडर की अगर मैंने बोला आई मेट अ चाइल्ड आई मेट अ चाइल्ड चाइल्ड है मैं एक चाइल्ड से मिली हूँ अब चाइल्ड है वो क्या है वो गर्ल है या बॉय है कैन यू टेल मी नो यू कैन नॉट टेल मी अगर मैं बोलूँगी यू नो वॉट आई वेंट टू मीट माई टीचर टूडे नाउ टीचर इज अगेन अ वर्ड जिसमें यू कैन नॉट टेल मी कि मैं एक मेल टीचर से मिल के आ रही हूँ या मैं एक फीमेल टीचर से मिल के आ रही हूँ माई डॉक्टर आस्ट मी to prescribe you know to take some exercises or to do some exercises now when my doctor asked me I am asking you this question kya bata sakte ho ki mera doctor male hai or female hai you cannot tell me this right because doctor hai doctor ek category jisme male bhi ho sakte ho female bhi ho sakte so all these names which can fall both into a female category and a male category are known as कॉमन जेंडर ठीक है कॉमन जेंडर नाउंस कॉमन नाउम्स यहाँ पे कॉमन की बात आ रही है जो भी हमारे कॉमन बॉय हुआ गर्ल हुआ ये हमें पता है एक masculine और feminine है और फेमेन है बट वेन वी टॉक अबाउट अ चाइल्ड अ स्टूडेंट अ स्टूडेंट कैन बी मेल और फीमेल फ्रेंड मेल और फीमेल एप्लीकेंट एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है जैसे कि जब मैं किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए अपनी एप्लीकेशन देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर द जॉब अब उस जॉब के लिए मैंने अगर अप्लाई किया एक एप्लीकेशन दी तो मैं बन जाती हूँ एप्लीकेंट ठीक है एप्लीकेंट अब एप्लीकेंट मेल, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है कैंडिडेट तो किसी भी चीज के लिए जब आप लोगों को देखते हो लोगों को आपको चुनना होता है उन लोगों को हम कहते हैं कैंडिडेट्स सर्वेंट सर्वेंट कैन बी मेल सर्वेंट और फीमेल सर्वेंट मेंबर अब आपके एक टीम में, में मेंबर्स हैं मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं डॉक्टर लीडर लीडर स्पेसिफिकली जरूरी है कि लीडर मतलब सिर्फ मेल ही होगा नहीं अ लीडर कैन बी अ फीमेल एज वेल सो दीज आर ऑल कॉमन नाउंस अब जैसे है अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड अ टीचर इज नेसेसरी फॉर गुड एजुकेशन बोथ दीज वर्ड्स चाइल्ड एंड टीचर दे आर टॉकिंग अबाउट और दे बिलोंग टू कॉमन जेंडर नाउंस ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर की जितनी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होती हैं ठीक है ऑल द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जिसमें चीजें होती जैसे पेन इस पेन का कोई जेंडर नहीं है दिस डिजिटल बोर्ड इसका कोई जेंडर नहीं है दिस टी शर्ट इसका कोई जेंडर नहीं है सो ऑल द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स दैट वी टॉक अबाउट जिनका कोई हम पर्टिकुलरली ऐसे जेंडर की बात नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटर एक्चुअली दिस वर्ड न्यूटर हैज कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं जीरो ओके अनाउन इज सेट टू बी इन द न्यूटर जेंडर if it refers to a member of a species which is neither a male nor a female examples dekhte hain chair table tree star mountain street book car school paper pencil computer etc theek hai ab kya dekhna hai humko हमको, हमको इसमें एक चीज देखनी ये examples हैं जैसे कि computer has brought about drastic changes in our lives चेंजेस मतलब कंप्यूटर के कारण बहुत ही अमेजिंग बहुत ज्यादा बहुत चेंजेस आए हैं तो मतलब अति में जो चेंज आ गया दिलेंजिंग हो मतलब होता है क्लीन करना ठीक है स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम विजिबल मतलब नहीं दिख, दिखना बेसिकली बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है तो यहां पर बुक्स

क्यों क्योंकि मुझे पता है स्वाति मतलब एक फेमिनाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर प्रोनाउन होता है उसका शी मेल जेंडर का प्रोनाउन होता है ही ठीक है और न्यूट्रा जेंडर जहाँ पे कोई भी हम लाइफलेस चीज की बात कर रहे हैं उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट ठीक है it, तो ये चीज़ हमें जरूरी है जानना कि किसी चीज का जेंडर क्या है क्योंकि अकॉर्डिंगली हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं इंग्लिश में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है हर चीज़ आपस में लिंक्ड है सो मैं सोचना अरे यार इसका क्या करना है ठीक है वन यू आर टॉकिन इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स और विद योर टीचर्स एंड सपोज यू से अरे वहाँ पे यू नो दे ब्यूटिफुल पेयर ऑफ अ डक एंड अ ड्रेक दे नो कि डक मतलब एक फीमेल आप बात कर रहे हो उसी के मेल को हम बोलते हैं ड्रेक तो उन्हें समझ में आता है कि आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड है ठीक है तो यहाँ पे आपको भले पता है और आपने बोला वो दो डक्स थी नहीं भाई एक डक था और एक ड्रेक था Say it like that. Why? Because it is it will create an amazing impression in front of people jinse aap baat kar rahe ho theek hai Which is very important. ab yahan pe before we know this there is one more thing. जब हम collective nouns की बात करते हैं, कभी भी कोई भी हम collective nouns पढ़ चुके हैं, जैसे कि school of fish पढ़ा हमने या crowd of people पढ़ा हमने, तो ये सब living living things है, right? Crowd of people.

मैं बात कर रही हूँ या तो मेस्क्यूलाइन होंगे या फेमिलाइन होंगे लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है इसीलिए उसका जो प्रोनाउन यूज किया, किया है जो कि न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है एक और एग्जाम्पल द सिचुएशन अब इसको पुलिस मत बोलना इसको हम बोलेंगे पुलिस पुलिस ठीक है पुलिस तो एक हल्का सा ऊक साउंड आता है बाकी लीस आता है सो द पुलिस कॉल्ड टू मैनेज दिचुएशन अब यहाँ पे पुलिस को हमने यहाँ पे क्या लगाया है इज लगाया है क्योंकि हम इसको एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं ठीक है इट हैज मैनेजड अब अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं बोलूंगी इट हैज मैनेजड वाई बिकॉज हम यहाँ पे उसको एक न्यूटर पुलिस मतलब क्या हो रहे हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर द सोसाइटी ठीक है अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हमें मेस्क्यूलाइन से फेमिनाइन में कैसे चेंज करना होता है हम यूज़ करते हैं कुछ सफ़िक्स सफेक्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी नाउन में प्रोनाउन में या किसी भी वर्ड के एंड में ऐड करते हैं एंड उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे अगर मुझे सिंगुलर से प्लूरल ऐड करना है तो मैं एस या ई एस ऐड कर देती हूँ तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है तो ये एस या ई एस या कोई भी लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो आप वर्ड के एंड में ऐड करते हो उसे हम कहते हैं सफिक्स अब यहाँ पे जो आपका सफिक्स है ई एस एस इसको जब आप ऐड करते हो तब एक मेस्क्यूलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है एग्जाम्पल्स लायन विल बिकम लाइनस एयर विल बिकम एयरस ओके ये जो वर्ड मैंने रीड किया ये है एयर ठीक है एयर का मतलब होता है सक्सेसर मतलब अगर एक राजा है राजा के बाद राजा बनेगा उसका बेटा तो उसका सक्सेसर कौन है उसका बेटा बेसिकली उसका एयर कौन है उसका बेटा सक्सेसर तो जो आपका उत्तराधिकारी होता है उसे हम कहते हैं एयर तो एयर एरस प्रीस्ट पुजारी प्रीस्टस ऑथर मतलब किसी भी बुक का जो राइटर होता है ऑथर ऑथरिस ठीक है उसके बाद है आपके पास प्रिंस प्रिंसेस काउंट एक बहुत कॉमन वर्ड है आप अपने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ोगे या अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप लिटरेचर में पढ़ोगे काउंट मतलब होता है यूरोपियन कंट्रीज में जो एक बहुत ही बड़े अच्छे टाइटल में होते हैं ठीक है अच्छे टाइटल में मतलब जो एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं जिनके पास काफी सारा लैंड होता है जैसे हम यहाँ लैंड लॉर्ड कहते हैं ना वैसे ही उन्हें कहते हैं काउंट काउंट एंड एंड अ अ अ अ फीमेल फीमेल इज इज नोन नोन एज एज काउंटेस देन पोएट पोएट पोएटिस ठीक है तो अगर मैंने कोई पोम लिखी अ पोएट आई एम अ पोएटिस होस्ट जो भी आप कभी भी किसी पार्टी में जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसे कहते हैं होस्ट और इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी देन आई एम नोन एज अ होस्टेस शेफर्ड मतलब चरवाहा जो गाय चराहता है या बैल या बकरी और भेड़ एंड ऑल तो शेफर्ड शेफर्डस जाइंट जाइंटस जाइंट मतलब बहुत ही यूज आदमी और ये यूज सी औरत अब है गॉड विल बिकम गॉडस मास्टर विल बिकम मिस्ट्रेस ठीक है देन यहाँ पे हंटर

तो किंगेस नहीं होता इट्स क्वीन ब्रदर विल बिकम सिस्टर ड्रेक विल बिकम फादर मदर अंकल नहीं कहते हैं ठीक है मतलब जो भिक्षुक लोग होते हैं ठीक है वो हो जाएगा नन सर मैम बॉय गोल बुल काउ नेफ्यू नीस भांजा भांजी गैंडो गीस ठीक है अब इसको हम गूस भी बोल सकते हैं क्योंकि गूस का प्लूरल होता है गीस अब आता है आपके पास आगे जहां हम कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं कंपाउंड नाउंस जहाँ पे दो नाउंस को ऐड करते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि हम दो नाउंस को ऐड करें ये हो सकता है नाउन प्लस नाउन जैसे कि क्लास और रूम यहाँ पे दोनों नाउंस हैं क्लास एक नाउन है और रूम भी एक नाउन है और ये मिलके बन गया क्लास रूम या तो हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन जैसे कि अगर मैंने बोला जेंटल uh, मैन तो यहाँ पे जेंटल एक एडजेक्टिव है मैन जो है एक नाउन है या यहां पे ये भी हो सकता है वर्ब प्लस नाउन अब जैसे वर्ब मुझे लेना है ठीक है तो लेट्स uh, के साथ क्या यूज़ हो सकता है ओके लेट्स नॉट टेक सिट क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे वी कैन टेक वर्ब में कट uh, कट बोर्ड ठीक है कट बोर्ड मतलब जो आपका सब्जी काटने का होता है कट बोर्ड जो होते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये वर्ब है और ये है नाउन तो जब ये दो मिलके बनते हैं तब हम इन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन्स थ्री वर्ड्स में भी हो सकते हैं जैसे मदर इन लॉ ये थ्री वर्ड्स हैं मदर इन लॉ और इन तीनों को मिला के बनता है मदर इन लॉ तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स तो जब आप कंपाउंड नाउन्स की बात करते हो ना तो जैसे लिखा है पिकॉक तो मेन आपका यहां पे वर्ड है कॉक और इसको हम चेंज कर देंगे में पी pe आप अपने मेन वर्ड को फोकस करोगे तो पे आप ही को क्या कर दोगे शी गोट स्टेप फादर स्टेप मदर फिशरमैन तो मैन विल बी टर्न इन टू वुमन तो मैन फिशर वुमन मिल्क मैन मिल्क वुमन ओके देन यू हैव वॉशअमैन वॉशअ वुमन लैंड लॉर्ड अब ये लॉर्ड जो है ये बन जाएगा लेडी स्टेप सन स्टेप डॉटर मैन सर्वेंट अब यहां पे मैन बन जाएगा मेड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सेल्स मैन अब ये मैन बन जाएगा वुमन ठीक है देन यू हैव हीरो हीरोइन लैड अब ये लैड का मतलब क्या होता है जो एक यंग बॉय होता है वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेवेंटीन और एटीन ईयर्स ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है हम बात कर रहे हैं एक यंग बॉय की तो उसको बोलते हैं यंग लैड यू नो यू आर एन इरीटेटिंग लैड मतलब तुम बहुत ही तुम एकदम जो हो एक इरीटेटिंग यंग मैन हो और लैड को हम बोलते हैं यहाँ पे लैस जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं लेस यंग गर्ल सर यहाँ पे मैम विडोवर विडोर मतलब अ मैन हुज वाइफ इज़ नो मोर ठीक है अच्छा देर इज वन थिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू टेल यू डोंट एवर से यार उसकी मॉम एक्सपायर हो गई हैं या उसके डैड एक्सपायर हो गए वो कोई टैबलेट नहीं है या वो कोई दवाई नहीं है या वो कोई किचन में रखने वाला कोई आइटम नहीं है जो एक्सपायर हो गई हैं ठीक है बेसिकली यू हैव टू से दैट दे आर नो मोर और दे हैव लाइक पैसड वे ये बेटर है डोंट से एक्सपायर ओके, सो ब्राइड, मतलब दूल्हा ब्राइड मतलब दुल्हन मिस्टर मिसेस, वन मोर थिंग मैंने यहां पे मिस्टर के बाद फुल स्टॉप लगाया है अगर मैं इसको हटा दूंगी तो क्या वो गलत होगा सो बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश जब हम यूज करते हैं तो मिस्टर के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हो बट ब्रिटिश इंग्लिश अगर अपन फॉलो करते हैं तो मिस्टर और या मिसेस के बाद आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं ओके सो वी डोंट हैव टू पुट अ फुल स्टॉप बट बोथ आर करेक्ट इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग सम मिस्टेक ओके नाउ वी नो दिस थिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो प्रोनाउन ही जो होता है वो एक सिंगुलर मिसक्यूल जेंडर के साथ यूज़ होता है शी जो होता है वो सिंगुलर फेमिनाइन के साथ यूज होता है और इट जो होता है वो सिंगुलर जेंडर के साथ यूज होता है लेकिन अगर इसी की जगह पे मान लो प्लूरल है तो यहाँ पे दे और देम यूज होता है हर किसी के लिए फॉर एग्जांपल इफ आई से राम एंड मोहन व गोइंग तो मैं ही एंड ही वर गोइंग नहीं बोलूंगी दे व गोइंग ठीक है तो दे और देम ही यूज होता है दे हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और दैम हो जाता है आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नाउ गाइज वी है वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज देखने के लिए कितना समझ में आया सो इफ यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्टिस इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू मतलब बहुत ही आसान क्या करना यहाँ पे यू हैव बीन गिवन अटेंस इस सेंटेंस में जितने भी नाउन और प्रोनाउन है उन सबका जेंडर चेंज करना है अब इसको करने में जिसमें आपकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो एक तरीका होता है क्या तरीका होता है द मैन वेंट टू द डाइनिंग हॉल ही एट हिज डिनर सबसे पहले हम जितने भी हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे जैसे कि द मैन मैन आपके पास एक नाउन है वेंट टू द डाइनिंग हॉल ही क्या है एक प्रोनाउन है हिस्ट डिनर ये तीन चीजें हैं अब इन तीनों को हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैस्कर की हम इसे कर देंगे फेमिनाइन तो the, ये हो जाएगा दुमन वेंट टू द डाइनिंग हॉल ही की जगह आ जाएगा शी एट हिस्स का बन जाएगा हर डिनर ठीक है शी एट हिस्ट डिनर लिखोगे तो ऐसा लगेगा इस लड़की ने उस लड़के का खाना खा लिया

इसको अब एक चीज देख लेते हैं अगर मेरे पास ही है अगर मेरे पास ही है तो ही क्या बन जाता है शी ही क्या बन जाएगा शी अगर मेरे पास है हिज तो हिज बन जाएगा हर अगर मेरे पास है आई हैव गिवन इट टू हिम आई हैव गिवन इट टू हर ठीक है अगर लिखा हुआ है हर सेल्फ तो ये बन जाएगा हिम सेल्फ ठीक है बेसिकली जहां पे भी हिज है वो बन जाएगा हर हिम है तो हर हर सेल्फ है तो वो हिम सेल्फ हिम सेल्फ है तो हर सेल्फ ठीक है आपको इस तरीके से देखना है कि क्या चेंज कर रहे हो कैसे चेंज कर रहे हो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है चलो गोइंग बैक टू आर एक्सरसाइज नेक्स्ट यहां पे है हिज ब्रदर इज हीरो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे हमारे पास एक प्रोनाउन है हिज नाउन है हमारे पास ब्रदर एक और नाउन है हमारे पास हीरो हिज किस में चेंज हो जाएगा हिज चेंज हो जाएगा हर्स में तो यहाँ पे आ जाएगा हर ब्रदर विल बी चेंज इनटू सिस्टर हर सिस्टर इज अ हीरो विल बी चेंज इनटू हीरोइन तो क्या हो जाएगा यहां पे हर सिस्टर इज अ रोइन ठीक है अब यहां पे है द किंग किंग मेरा नाउन हो गया वेंट टू पैलेस यहां पे सिर्फ एक ही नाउन है तो किंग की जगह आ जाएगा क्वीन द गर्ल्स द साइंस म्यूजियम अब गर्ल्स के अलावा कोई भी आपके पास नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पे गर्ल्स की जगह आ जाएगा बॉयज दैट्स इट ठीक है तो दिस इज द वे हमारे आंसर्स है अब हम इसमें आगे ये हमारे पास और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको टाइम दूंगी आप लोग करोगे और उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी ठीक है तो पहले इधर पे वीडियो को पॉज करो इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखो एंड देन यू विल हैव टू चेक कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही है या गलत है ओके सो पॉज योर वीडियो नाउ आई एम गोइंग टू टेल योर टेल यू आंसर्स तो अगर आपने सारे आंसर्स लिख लिए हैं तो लेट्स बिगिन टू चेक कि कितना समझ में आया है अब यहाँ पे है ही को मैंने अंडरलाइन किया ये एक प्रोनाउन है सन नाउन है वॉशरमैन नाउन है ही की जगह क्या हो जाएगा शी सो शी इज द सन का हो जाएगा डॉटर ठीक है सन का हो जाएगा डॉटर और वॉशरमैन का हो जाएगा वॉशर वुमन राइट अब ये हो जाएगा शी इज द डॉटर ऑफ अ वॉशर वुमन अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका माई फादर आपका एक नाउन है और यहाँ पे ही वर्क ही आपका एक प्रोनाउन है तो यहाँ पे हो जाएगा माई मदर इज अ बैंकर शी वर्क इन दिस बैंक हर हजबैंड ट्रीटेड हिम ठीक है अब यहाँ पे तीन है आपके पास एक प्रोनाउन एक प्रोनाउन और एक नाउन ओके okay? हर की जगह हो जाएगा हिज हजब की जगह हो जाएगा वाइफ हिम की जगह हो जाएगा हर हिज ठीक है लास्ट इज हिज ग्रैंड मदर लॉस्ट हर तो यहां पर आपके पास दो नाउन दो प्रोनाउंस और एक नाउन है तो हिज हो जाएगा हर ग्रैंड फादर लॉस्ट हिज पर्स हर ग्रैंड फादर लॉस्ट हिज पर्स ठीक है सो ये हमारे आंसर्स हो गए तो आप अपने आंसर्स चेक कर लो एंड जितने भी लोग के सही थे कंग्रेचुलेशन और जिनके मिस्टेक्स हुए डू नॉट वरी इसके बाद इन्हीं एक्सरसाइज के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होम एक्सरसाइजेस के लिए काफी सारे लिंक्स रहेंगे प्रैक्टिस एंड इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स कॉमेंट करो एंड देन आई हेल्प यू विद इट ठीक है अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है फटाफट आपको क्या करना है इन सारे वर्ड्स को जेंडर वाइज डिवाइड करना है क्या करना है सिर्फ इनके आगे लिखना है कि इट्स अगर मेस्क्यूलाइन जेंडर है तो एम लिख देना फेमिनाइन है तो एफ न्यूट्रल है तो एन और अगर वो कॉमन जेंडर है तो सी ठीक है हम क्विकली एक्सरसाइज करने वाले हैं इधर पे वीडियो को पॉज करो एंड उसके बाद जब हो जाएगा तो वापस इन आंसर्स पे आना जब मैं अब बताने वाली हूँ कप न्यूटर जेंडर है चेयर न्यूटर है क्वीन फीमेल बर्ड कॉमन होस्ट मेल टेबल न्यूटो काजन इज कॉमन बुल मेल लैस

कॉमन वेटर इज फीमेल डच इज फीमेल और डक इज अगेन फीमेल ठीक है सो दीज आर योर एंसर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड ठीक है गाइज सो हियर बेसिकली वी आर ऑल डन विद आवर जेंडर नाउन्स इसके बाद अभी जैसे आपने स्क्रीन में देखा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इंग्लिश को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा वो ठीक है सो हेयर वी आर टोटली डन विद दिस थिंग जितने भी हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वोकैबलरी वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं लेकिन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ठीक है सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड आई एम गोइंग टू सी यू विथ फॉर्मेशन ऑफ नाउंस थैंक यू सो मच बाय बाय